हेलो दोस्तों, आज हम आपको टीएलवी प्रसाद सर के बॉलीवुड डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। टीएलवी प्रसाद ने 1992 में आई मूवी आई लव यू से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रशांत, तनुजा, बीना, रीमा लागू और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 95 लाख रहा। भारत में कमाई 35 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 62 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1994 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई जख्मी सिपाही। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, ओम पुरी और पुनीत शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की मूवी आई जनता की अदालत। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, गौतमी, मधु और सदाशिव शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 8 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1995 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई जल्लाद। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मौसमी चटर्जी, मधु, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 69 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1996 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई मुकद्दर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का, सिमरन और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की एक और मूवी आई जुर्माना। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रोनित रॉय और रजा मुराद शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 7वीं मूवी आई दानवीर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रामा, रोनित रॉय शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1997 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई कालिया। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, दीप्ति भटनागर और जॉनी लीवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 73 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की मूवी आई सूरज। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का, विजया और सुरेश ओबेरॉय शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 51 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ 46 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 10वीं मूवी आई जोड़ीदार। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मंथरा, आदित्य पंचोली और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 94 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1998 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई शेरे हिंदुस्तान। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, गुलशन ग्रोवर, मधु और कसम अली शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 70 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 55 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की मूवी आई चांडाल। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, स्नेहा और रामी रेड्डी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 13वीं मूवी आई हत्यारा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, सुनील रंगनाथ, अनिल धवन शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 14वीं मूवी आई उस्तादों के उस्ताद। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी सराफ, विनीता
और मधु शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 92 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 15वीं मूवी आई हिटलर। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, दीप्ति वडनाकर और जॉनी लीवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 15 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 16वीं मूवी आई दो नंबरी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, स्नेहा, जॉनी लीवर और मोहन जोशी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1999 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई सिकंदर सड़क्का। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मानिक बेदी, सम्राट मुखर्जी और मोहन जोशी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 68 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की मूवी आई गंगा की कसम। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी शराफ, दीप्ति भटनागर और जॉनी लीवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 19 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 18वीं मूवी आई बेनाम। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, पायल बहोत्रा और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 19वीं मूवी आई आग ही आग। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी शराफ, स्नेहा, पायल मल्होत्रा और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 15 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 99 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 20वीं मूवी आई शेरा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, विनीता, गुलशन ग्रोवर और असरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 61 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 21वीं मूवी आई फूल और आग। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी शराफ, हरीश, आयशा झुलका और अरुणा ईरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 97 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। सन 2000 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई सुल्तान। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, राजा मुराद और मुकेश ऋषि शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 37 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 38 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की मूवी आई दादा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रामी रेड्डी, दिलीप ताहिल और राजा मुराद शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ 40 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 44 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 24वीं मूवी आई कुर्बानी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, स्वाति, रामी रेड्डी और मुकेश ऋषि शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। 2001 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई भैरव। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, इंद्रानी और सीमा सिद्धू शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। 2002 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई कैदी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, निर्मल पांडे और राजा मुराद शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की मूवी आई मेरी प्रतिज्ञा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, दीप्ति भटनागर और मुकेश ऋषि शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की 28वीं मूवी आई मवाली नंबर 1। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर और सदाशिव अमरपालकर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 2004 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई तौबा तौबा। इस मूवी के लीड कास्ट में पायल, रवि किशन और मुकुल देव शामिल थे। इस मूवी का बजट
2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 61 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 29 लाख कमाई। इसके साथ है मूवी एवरेज रही। 2008 में टीएलवी प्रसाद की मूवी आई फिर तौबा तौबा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमीन गाजी, राहुल रॉय और साधिका शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल टीएलवी प्रसाद की मूवी आई आज का बॉस। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, स्वाति और रामी रेड्डी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। और हिंदी लैंग्वेज में डायरेक्ट की हुई टीएलवी प्रसाद की आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आज हमने आपको टीएलवी प्रसाद सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको टीएलवी प्रसाद सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।